नंबर 42 किरायापुर है हमारे शेर बब्बर, हिंदुस्तान की शान आन बान असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब का दौरा किरायापुर में रखा गया है। गली नंबर 12 से लेके पुप्पा की होटल तक, वहाँ से पटेल होटल, पटेल होटल से लेके रोशन मस्जिद तक पूरा किरायापुर उनका पैदल दौरा रहेंगे। आप ये तशरीह में बहुत जोरों शोर से चालू है। इम्तियाज जलील साहब को इस बार ऐसा लगता है कि सारे समाज के लोग लाखों की तादाद में उड़ देंगे और एक तारीखी लीडर से इम्तियाज जलील साहब इस बार मुंतखब होने जा रहे हैं। तो राम मंदिर तक, राम मंदिर से चौराहे तक पूरे लोगों की तादाद हजारों में खड़े, खास तौर से बैरिस्टर असद अवैसी साहब का इस्तकबाल करने के लिए। तो इसलिए आप किसी भ्रम में और किसी भयभाव में ना रहे, किसी अफवाह में ना रहे, हजारों की तादाद में यहाँ पर नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माँ बहने असद अवैसी साहब का इस्तकबाल करने के लिए किरायापुरा राम मंदिर और इसी तरह किरायापुरा का चौराहा, इब्राहिम पटेल होटल और रोशन मस्जिद तक आज असदुद्दीन अवैसी का कामयाब दौरा किरायापुर के अंदर रखा गया, जो कि हमारे पूरे नौजवान, बुजुर्ग, हमारी माँ बहनों ने दुआओं से नवाजा। असदुद्दीन अवैसी साहब को, इम्तियाज जलील साहब को ये पूरे पैगाम है पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर के मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खासकर इम्तियाज जलील दोबारा बनने जा रहा है। और ये औरंगाबाद की आन बान शान, इम्तियाज भाई है हम सब की जान। जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग, पतंग वोट डाले शान से सिर्फ पतंग, पतंग उड़ रही है हर तरफ से सिर्फ पतंग, पतंग उड़ रही है हर तरफ से सिर्फ पतंग, पतंग सबके सुबह पर AIMIM का नाम, भाईचारे से रहते औरंगाबाद में हिंदू। Yeah, yeah.
ये बेटा चलो
13 तारीख
अस्सलाम वालेकुम। आज असदुद्दीन अवैसी का कामयाब दौरा किराड़पुरे के अंदर रखा गया, जो कि हमारे पूरे नौजवान बुजुर्ग हमारी माँ बहनों ने दुआओं से नवाजा। असदुद्दीन अवैसी साहब को, इम्तियाज जलील साहब को, ये एक पूरे पैगाम है पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खासदार इम्तियाज जलील दोबारा बनने जा रहा है। और ये आपके माध्यम से मैं पूरे शहर को, पूरे जिले को कहता हूँ कि आप पतंग को उड़ाने से कोई रोक नहीं सकता, और इतनी जोर से पतंग उड़ रही है कि इंशाल्लाह जितने जो लोग हैं उनके सबके जमाना जब्त हो जाएगा। क्या